अकाली दल के सीनियर आगू महेशिंदर सिंह गरेवाल ने मालगड्डियां ते रेलां दे बंद होण कारण उद्योगां नूं होए नुकसान लई पंजाब अते केंद्र सरकार नूं जिम्मेवार ठहराया है। गरेवाल ने कहा कि दोवें सरकार आपस च फिक्स मैच खेड रही ने, जिस कारण लुधियाणा के मशहूर हौजरी अते साइकिल उद्योगों नूं नुकसान हो रहा है। इस दे नाल ही इस मौके उन्होंने पिछले दिन रेल मंत्री नाल मुलाकात करन वाले कांग्रेस के संसद मैंबरां ते सवाल भी चुके। इस दौरान उन्होंने गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहब के प्रबंध नूं अपने हत्थां विच लैण वाली पाकिस्तान सरकार की जम के निखेधी भी की। मैं एक गल बड़ी स्पष्ट कहनी चाहुंदा, पंजाब नाल ना कांग्रेस ईमानदार रही ना भारतीय जनता पार्टी रही। मैं ये बात स्पष्ट करनी चाहता हूँ कि जहाँ तक पंजाब का संबंध है, पंजाब के साथ ना कभी इंसाफ कांग्रेस ने किया है, ना इंसाफ अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो ये नहीं समझते कि ये बॉर्डर स्टेट है, बड़ी सेंसिटिव स्टेट है। यहाँ पर ऑलरेडी बाहरली शक्ति दो तीन बारी हमले कर चुके हैं। अपना पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ, दो महीने पहले जो चार पांच पाकिस्तान से आ रहे आतंकवादी ढेर किए गए बॉर्डर पर, वो बात हुई। और कई दफ़ा उनके ड्रोन फड़े हैं जो हथियार इधर लाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सुहृदा से चाहिए कि पंजाब को तो आर्थिक पैकेज दें, जो कोरोना की वजह से और जो किसान मूवमेंट की वजह से पंजाब का आर्थिक नुकसान हुआ है, स्पेशल पैकेज देके पंजाब की फाइनेंशियली हेल्प करें, इसकी रिहैबिलिटेशन के लिए, यहाँ जॉब प्रोवाइड करने के लिए। ये बड़ा महंगा सौदा पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर उन्होंने पंजाब में कोई आर्थिक नुकसान पहुँचाना चाहे तो। देखो, कोले का बहाना भी कह सकते हैं, और वैसे बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ वो रोक रहे हैं, प्राइवेट जो मल्टीनेशनल हैं वो तीन हैं, बाकी गवर्नमेंट के दो हैं प्लांट, जिनके पास आइडल पावर भी है, नेशनल ग्रिड से भी पावर ले सकते हैं। जब ये मसला हल हो जाएगा नेशनल ग्रिड पे, वो रिटर्न कर देंगे पावर। ये किसान को बदनाम करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, किसान को बिजली के लिए और कोले की किल्लत के लिए दोषी ठहराना चाहती है, जो बिल्कुल गैर वाजिब है। देखो, पहले तो मैं बात ये कहूँगा कि पंजाब सरकार की गैर जिम्मेवाराना आप इधर से ही माप सकते हैं कि ये डेलीगेशन लीड ही चीफ मिनिस्टर साहब को करना चाहिए था। तो तुरंत जब रौला चल रहा था, चीफ मिनिस्टर साहब जाके उधर प्राइम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लेके ये सारी तकलीफ बताते और मसले का हल करते। और सबसे दुखांत ये है कि कांग्रेस की डबल फेस राजनीति, कांग्रेस की आपस में लड़ाई जब बाहर आई है। कल कांग्रेस के दो मेंबर पार्लियामेंट्स के ग्रुप मिले हैं रेलवे मिनिस्टर को, एक राज्यसभा का और एक लोकसभा का। और मुझे ये बात हादसों ही नहीं लगी कि बिट्टू जी ये कह रहे हैं कि लोकसभा के एमपी और होते हैं और राज्यसभा के और होते हैं। उनको ये नहीं पता कि मेंबर पार्लियामेंट एक ही होता है, वो मेंबर चाहे अपर हाउस का हो चाहे लोअर हाउस का हो, उसका स्टेटस मेंबर पार्लियामेंट का होता है। उनकी डिवीजन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखी, उसने भी इस सारे मसले के हल में देरी की है।